एक दिन एक बादशाह महल से बाहर सैर को निकला। उसकी नजर अचानक अपनी फौज के सरदार के घोड़े पर पड़ी, जो बहुत ही खूबसूरत था। बादशाह ने, जिसके अस्तबल में हजारों घोड़े थे, पहले तो उस घोड़े की तारीफ की, लेकिन फिर वो तारीफ हसद में बदल गई कि ये घोड़ा उसका क्यों नहीं है। उसने उस घोड़े को अपने फौजी सिपाह सालार से लेने का तहिया कर लिया और हुक्म दिया कि वो घोड़ा फौरन मेरे पास लाया जाए। सिपाह सालार ने मजबूरन अपना घोड़ा बादशाह के पास भिजवा दिया, लेकिन वो सख्त गमगीन और अफसरदा था। वो एक दानिश्वर के पास गया। उस दानिश्वर का बादशाह भी बहुत एहतराम करता था। दानिश्वर ने उस सिपाह सालार को तसल्ली और दिलासा दिया और फिर उसने बादशाह के पास जाकर सिफारिश करने का इरादा किया। दानिश्वर दरबार में गया और जहां सब लोग बैठे हुए थे जाकर वहां बैठ गया। बादशाह ने दानिश्वर को देखते ही उससे पूछा कि क्या ये घोड़ा बहुत अच्छा और आला नसब का नहीं है। दानिश्वर ने जवाब दिया, ए बादशाह सलामत, आप इस घोड़े को इस कदर पसंद करने लगे हैं कि आपको इसका सबसे बड़ा ऐब भी नजर नहीं आ रहा है। जरा देखिए, इस घोड़े का सर गाय के सर से किस कदर मुशाबे है। ये सुनते ही बादशाह का दिल घोड़े के सिलसिले में फीका पड़ गया। उसने नौकर को हुक्म दिया, जाओ ये घोड़ा इसके मालिक को लौटा आओ। मेरी समझ में नहीं आता इस ऐबी जानवर का क्या करूं। दानिश्वर ने मुफक्किराना अंदाज में जवाब दिया, हवस चांद की तरह है, जो उरूज के बाद बिल्कुल जवाल पजीर हो जाता है।